पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये मुद्दा गर्म है। देखिए, जिस तरीके से इस बात की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर इतनी बेचैनी क्यों? इतनी बेचैनी क्यों है सीएम नीतीश में भी और भाजपा में भी? सीट शेयरिंग को लेकर या तमाम मुद्दे हैं, इस पर भाजपा बहुत बेचैन नजर आ रही है। तुरंत जेपी नड्डा बिहार आते हैं, 4 घंटे बात करते हैं नीतीश से, इसके बाद कई और बातें होती है, तुरंत जेपी नड्डा वापस चले जाते हैं नीतीश का गुरु मंत्र लेके। क्या वही गुरु मंत्र लेके जेपी नड्डा वापस दिल्ली चले गए थे जो नीतीश ने चुनाव को लेकर कहा था? देखिए, इन सब के बीच एक चर्चा हो रही है कि अब नीतीश और मोदी की डील हो चुकी है। जेपी नड्डा जो बात लेकर गए थे वो मोदी ने मान लिया है और अब चुनाव एक साथ हो सकता है इस पर। और इस बार जो है अमित शाह ये सब पूरी डील कर रहे हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे मुद्दे की बात में आज। लेकिन मोदी नीतीश में हो गई फाइनल बात, मसौदा तैयार, एक साथ होगा चुनाव। शाह के हाथ में कमान आ गया बयान। बाबा, क्या होने वाला है अब चुनाव? कैसे मना लिया सीएम नीतीश ने अब उनको, तो क्या बात हुई? देखिए, आपने जितनी भी बातें की और जो इंट्रो में आपने सब रखा, वो एक पहलू है जो हमें नज़र आ रहा है, जिसे हम जिसको हम देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। लेकिन उसके भीतर ही भीतर बहुत कुछ चल रहा है। अंडर करेंट का नाम जानती है ना? अंडर करेंट बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। आप पानी के ऊपर ऊपर तो आप छाला के जा सकते हैं, लेकिन भीतर जाइएगा तो और धार बहुत तेज होता है। राजनीति का भी यही सिलसिला है। राजनीति में ऊपर ऊपर कुछ और नज़र आता है और भीतर ही भीतर अलग करेंट होता है, तो वो आपको बहा करके ले जा सकता है यदि आप अच्छे तैराक नहीं है। तो नीतीश कुमार एक अच्छे तैराक हैं, इस बात से इनकार आप नहीं कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार अच्छे तैराक हैं, तो निश्चित रूप से वो तैराकी का सब गुण सीखते हैं। लेकिन कहा जाता है कि तैराक ही डूबता भी है। कॉन्फिडेंस के बाद जब उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि इस दरिया को तो हम पार कर जाएंगे, तो डूबता है। कई ऐसे ऐसे मौके आए जिसको आपने देखा भी होगा, कई ऐसे मौके आए जो अच्छे अच्छे तैराक डूबे हैं। चाणक्य जैसे लोग जब परेशान रहे हैं तो और बाकी लोगों की बात क्या करें, उसके लिए चाणक्य को एक गलती के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसको उसके लिए माहौल बनाना पड़ा, तब जाकर चंद्रगुप्त को सामने ला करके खड़ा किया। तो ये राजनीति है और राजनीति में चूंकि बिहार की बात जब शुरू होती है तो आप समझ जानती हैं कि बिहार सियासत और लोकतंत्र की जननी रही है। यहाँ हर चौक चौराहे गली मोड़ पर खड़े हो जाइए तो वहाँ एक आप चाय वाले पान वाले और सब्जी वाले के दुकान पे चले जाइए तो वो भी पॉलिटिक्स जानता है और उसके दुकान पे पॉलिटिक्स खूब होती है। इसके पीछे का कारण ये है कि बिहार के लोग या तो उनके पास इस सारे काम के अलावा एक्स्ट्रा समय है जिसमें वो राजनीति करते हैं और राजनीति की बातें करते हैं, या फिर हमारे यहाँ बेरोज़गारी है, हमारे यहाँ लोगों के पास काम नहीं है जिसके चलते उनको मौका है, और ये भी एक रोज़गार है, ये भी राजनीति भी एक रोज़गार है। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखा होगा कि ज़मीन से उठ करके ये आदमी आया, ये आदमी चाय बेचता था, ये आदमी गाय चराता था, इसमें भैंस चराता था, ये आकर के राजनीति में बैठ गया। ये सारी बातें हम सुनते हैं ना। खैर, इन सारी बातों से आगे आप बढ़िए। तो आपने सवाल किया कि क्या मोदी और नीतीश के बीच में फाइनल बात हो गई। देखिए, मोदी और नीतीश में फाइनल बात लगातार हो रही है और इस बात के इधर होने से ज़्यादा आपको उससे पहले का ध्यान देना होगा। 2024 में एनडीए में स्विच करने से पहले नीतीश कुमार के मन में ये बात थी कि वो 2024 में ही 2025 का चुनाव करवाएं, लेकिन तब नीतीश कुमार के पास वो ग्रीवांसेस नहीं था। जैसे ही नीतीश कुमार की टीम ने और नीतीश कुमार ने फैसला किया, आपको याद होगा कि बहुत जल्दी जल्दी में सारे फैसले हुए, अचानक से ललन सिंह से प्रभार लिया गया पार्टी के अध्यक्ष का, नीतीश ने खुद अपने आप को अध्यक्ष घोषित कराया, उसके बाद वो डील शुरू हो गई, भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटरनल बातें शुरू हो गई, हमें भनक लग गई थी, हमने उसी दिन कह दिया था कि नीतीश कुमार ये स्विच करने का ही रास्ता अपना रहे हैं, क्योंकि जब आप टिकट कटाइएगा दिल्ली का ना, और जैसे ही जानकारी मिलेगी तो हम समझ जाएंगे कि आप दिल्ली जा रहे हैं, आप दिल्ली जा रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप कलकत्ता जा रहे हैं, दिल्ली ही जा, जब दिल्ली का टिकट कटाइएगा तो आप दिल्ली ही जाइएगा ना,
तो नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे जैसे ही ललन सिंह को रास्ते से हटाया, क्योंकि ललन सिंह के बारे में और ललन सिंह जो जिस तरह का काम कर रहे थे, जिस तरह का बयान उन्होंने सदन में दिया था अंतिम सदन के दिन, उस दिन उसमें साफ नज़र आ रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हैं, नीतीश कुमार कुछ और सोच रहे हैं और ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आग उगल रहे हैं। तलखी भी हुई थी सदन के बीच, आपने देखा कि कई सदस्यों के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई, अमित शाह खड़े होकर के आँख तड़ेर रहे थे, ये सभी बातें हमने देखी हैं। लेकिन वक्त बदला, समय बदला, सब कुछ बदला और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत होने लगी। इस बीच में कोई तीसरा नहीं है। मैसेंजर के रूप में संजय झा काम कर सकते हैं, मैसेंजर के रूप में जेपी नड्डा काम कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में आमने सामने बात हो रही है और इस आमने सामने बात के कारण ही ये गठबंधन टिका हुआ है। कोई मैसेंजर नहीं है बीच में, कोई नहीं है। हाँ। अगर मैसेंजर है भी तो बंद लिफाफा लेकर के आएगा, चिट्ठी में क्या लिखा होता है मजमून तो आपको पता होता नहीं है। तो जो मसौदा तैयार करते हैं नरेंद्र मोदी वो एक बंद लिफाफे में भेज देते हैं और नीतीश कुमार उसी बंद लिफाफे को फिर से खोल करके पढ़ करके उसमें जो करेक्शन करना करते हैं फिर बंद करते हैं और फिर बंद करके वापस भेज देते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। इसी सिलसिले में नरेंद्र मोदी के साथ जब नीतीश कुमार आने की सोच रहे थे, जब प्लानिंग बन चुकी थी कि अब आएंगे वो, तो जनवरी से पहले एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त थी, हम लोग उससे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने शर्त रखी है, वो शर्त अब तक नहीं माना गया इसलिए विलंब हो रहा है, और ये शर्त थी कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए। इस पर नीतीश कुमार को समझा लिया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा कि आप इस चुनाव को हो जाने दीजिए, आपकी इच्छा की पूर्ति की जाएगी, आपने जो कहा है हम उसके साथ खड़े हैं, हम एक साथ चुनाव कराएंगे। अब आगे हम आपको बता रहे हैं कि ये सारा जो फैक्टर था, इस फैक्टर के पीछे दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं कल भी ये चर्चा कर रहा था रत्नेश के साथ, खबरों के बीच में मैंने आपके साथ भी कई बार चर्चा मैंने किया है कि देखिए नीतीश कुमार ये बात समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते वो दिल्ली की राजनीति में अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, ये कन्फर्म है। तो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में रहना है, यहाँ एस्टेब्लिश रहना है, तो इसके लिए नीतीश कुमार कुछ अपर हैंड लेकर के चलेंगे जिससे कि उनकी कुर्सी पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं हो। इसके लिए नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के बाकी की चीज़ों को अपने हिसाब से तय करेंगे जिससे कि नीतीश कुमार को सीटें कम भी हो, जैसे 2020 में उनको 43 सीटें आई फिर भी मुख्यमंत्री वही हैं, तो इस तरह का कोई अरेंजमेंट नीतीश कुमार कर लें कि जिससे नीतीश कुमार अगर हार भी जाते हैं तो फिर 243 सीटों का फैला तो नहीं सकते हैं, और 243 सीट में ही पूरे जितने राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे सबका सीट आएगा, सब जीत हार जीत करके किसी कोई भी जीत करके आए तो 243 ही जीत करके आएंगे। 122 पूरा करने के लिए आपको लोगों की जरूरत होगी या अपने दम पर आप पूरा कीजिए, तो अपने दम पर पूरा करता हुआ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। 2020 सबसे मुफीद समय था राष्ट्रीय जनता दल के लिए कि नीतीश कुमार कमजोर हुए थे, नीतीश कुमार के एनडीए से दो दो लोग बाहर निकले थे, एक तो खुद तेजस्वी यादव के यहाँ से निकल करके आए थे, आपने देखा कि शुरू में निकल करके आए जीतन राम मांझी, वो एनडीए का हिस्सा बने, उसका भी फायदा और घाटा दोनों मिलना था। इसके बाद मुकेश सहनी बाहर निकल करके आए, मुकेश सहनी भी एनडीए का हिस्सा बने, उपेंद्र कुशवाहा डैमेज कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, वो निकल करके तो आए थे लेकिन डैमेज किसको कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि नीतीश कुमार लौकू समीकरण वाला वोट काट रहे थे जो नीतीश कुमार का कोर वोट है, तो वो भी डैमेज कर रहे थे। इधर चिराग पासवान जो एनडीए से निकल करके आए वो भी डैमेज कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को ही, क्योंकि नीतीश कुमार की सीटें कम कर रहे थे, नीतीश कुमार 115 पे लड़े थे 43 पे 50% को डैमेज कर दिया गया। ये सारी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि सबसे मुफीद समय था तेजस्वी यादव के लिए 2020 में सत्ता प्राप्त करना अपने दम पर, लेकिन 75 पर आकर के टिक गए वो। तो अब जो वर्तमान परिस्थिति बनेगी उसमें नीतीश कुमार ने जो मसौदा तैयार किया है उस मसौदे के हिसाब से नरेंद्र मोदी को लगता है कि हम बहुत देर तक इसको रोक करके नहीं रख सकते हैं, स्टैंड नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा समझा नहीं सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी टीम का मानना यह है कि हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा करके ले आ जा सकते हैं,
एक बार नीतीश कुमार को भरोसे में ले लिया जाए, 2025 का चुनाव करा लिया जाए, उसके बाद जब हम थोड़ा मजबूत हो जाते हैं, कई राज्यों में चुनाव हैं, उन राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, या हम पहले से बता रहे हैं इस बात को, खुशी आज भी लिख लीजिए आप कहीं, और भारत लाइव के जो दर्शक हैं वो भी कहीं लिख लें कि जैसे ही इन चार राज्यों के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी हारे या जीते, वो सबसे पहला काम करेगी कि वो केंद्र में अपने आप को मजबूत करने के लिए जो स्वांग रचना पड़े, साम दाम दंड भेद मैत्री जो करना पड़े वो करेगी, और करके वो 32 सीटों का जुगाड़ करेगी, जिससे कि 5 साल तक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर कायम रहे केंद्र की। तो इसके एवज में नीतीश कुमार को ये पता है कि इस चुनाव के बाद क्या होना है, इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो जाए, विधानसभा भंग कर लिया जाए। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, इस लेकिन का हम बाद में चर्चा करेंगे। आपको इस बीच में बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि सारी परिस्थितियाँ उनके साथ चल रही हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार की एक और जो चिंता है वो ये है कि प्रशांत किशोर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और प्रशांत किशोर जिस रास्ते से बढ़ रहे हैं वो दो ही लोगों को डैमेज कर रहे हैं, तेजस्वी को और नीतीश को डैमेज कर रहे हैं। नीतीश के जो अति पिछड़ा वोटर हैं उनको डैमेज कर रहे हैं, गैर यादव वोटर जो हैं ओबीसी के उनको डैमेज कर रहे हैं, तो कुछ हद तक दलित वोटर भी उनके साथ जुड़ रहे हैं, सीधा सीधा घाटा है। तो दूसरी तरफ वो महिलाओं का वोट तो जाएगा ही, लेकिन महिलाओं का वोट उसी अनुपात में नहीं जाएगा, क्योंकि महिलाओं को नीतीश कुमार ने जो दिया है उसका रिटर्न तो निश्चित रूप से नीतीश को ही जाना है। नीतीश का यही वो साइलेंट वोटर है जो नीतीश कुमार को 15% से अब तक किसी भी चुनाव में कम नहीं होने दिया है, ये फैक्ट है। सबके वोट कम बेसी होते रहे लेकिन नीतीश कुमार का 15% वोट एकदम कांस्टेंट है। तो ऐसी बदली हुई परिस्थिति में प्रशांत किशोर एक बड़े थ्रेट हैं, इसको जितना अधिक खींचिएगा उतना मजबूत होते जाएंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ही क्यों मजबूत होंगे, धीरे धीरे करके चिराग पासवान भी मजबूत होंगे, धीरे धीरे करके बिहार में अपना पैर जमा रहे हैं 5 उनके सांसद हैं, तो निश्चित रूप से 5 सांसद हैं तो 5 लोकसभा क्षेत्रों में यानी 30 विधानसभा क्षेत्रों को तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना जी। इसके अलावा केंद्र में मंत्री भी हैं तो और भी क्षेत्रों को इन्फ्लुएंस करेंगे। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उनका भी कद बढ़ रहा है। अगर इधर देखिए आप, तो हमने पहले बताया था कि जब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सदस्यता ले लेंगे उसके बाद देखिएगा उनके मुंह से जवान निकलना शुरू हो जाएगा, और जवान जब निकलने लगेगा तो निश्चित रूप से वो भी अब बोलेंगे कि हमें भी अपनी, जब बच्चे को भूख लगती है तब उसकी माँ उसको नहीं पता होता है उसको दूध नहीं पिलाती है, जब बच्चा भूख से रोता है चिल्लाता है तब उसको दूध पिलाती है। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जो है वो चिल्लाना शुरू कर दिए भूख से, तो इसका मतलब है कि वो भी अब अपने लिए एक रास्ता चुनेंगे, तो उनके भी बड़ा होने और उनका भी दायरा बढ़ने का घाटा नीतीश कुमार को सीट शेयरिंग में हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को। तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा करके नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक ऐसा रास्ता तैयार करें 243 के आंकड़े में जिसमें नीतीश कुमार मजबूत रहें और बाकी के लोग उन पर आश्रित रहें। ये कारण है जिस कारण से मसौदा जो तैयार हुआ है उस मसौदे पर अभी भी विराम लगा हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप खबर करने से पहले पूछ रही थी कि आखिर अमित शाह की एंट्री कैसे हो सकती है बिहार में, आखिर अमित शाह की बात आप कर रहे हैं कि शाह के हाथ में कमान कैसे दिया जा सकता है, ये कमान अमित शाह के हाथ में दिया नहीं जा सकता है, अमित शाह के हाथ में ऑलरेडी है क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं, तो उनको यह अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है हमारे संविधान के द्वारा कि वो राजनीतिक रूप से भले ही ना करें लेकिन संवैधानिक रूप से वो देश के गृह मंत्री हैं, तो किसी भी राज्य में कोई भी फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने नीतीश कुमार के विभाग से बिहार के गृह मंत्रालय से उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी थी, तो ये तो वो कर ही सकते हैं। आप राजनीतिक रूप से कहिए कि बिहार में मत आइए, संगठनिक रूप से मत आइए, लेकिन संवैधानिक रूप से वो गृह मंत्री होने के नाते हर राज्य में उनकी डायरेक्ट एंट्री है, कहीं कोई रोक नहीं हो सकता है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए एक तरफ जहां बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में बहुत सारी बातें चल रही हैं, एक दूसरे से सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ रहें, नीतीश कुमार चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी से हम जो जो चाह रहे हैं सब मिल जाए हमको, ऐसी स्थिति में एक बड़ा ही मौजू सवाल सबके सामने है और नीतीश ने उसका समर्थन भी कर दिया है, बयान भी उस पर आ गए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से 2 दिन पहले ही आपने देखा नए नए जो बने हैं उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता
राजीव रंजन प्रसाद, हाँ, उन्होंने एक बयान दिया है कि हमारी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन पर पूरी तरह से तैयार है और उसके साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन अगर 2024 के चुनाव में नहीं हुआ तो 2025 में नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको परिसीमन भी कराना पड़ेगा और भी बहुत सारी बाधाएं हैं जिसको दूर करना पड़ेगा। हालांकि इस जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के इसका रिपोर्ट बना करके एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट उन्होंने 1800 पन्नों का रिपोर्ट दिया है, जिसमें 191 दिन 190 दिन से ज़्यादा उनको लगे थे इस रिपोर्ट को बनाने में, उनकी कमेटी को ये सब चीज़ सर्वे करने में। उन्होंने रिपोर्ट में अपनी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही है, उस महत्वपूर्ण बात में है कि देश के तीनों स्तर के चुनाव, तीनों स्तर का मतलब समझ रही हैं आप, लोकसभा, विधानसभा और पंचायत, वार्ड और पंचायत के चुनाव होते हैं, ये तीनों चुनाव एक साथ करा लिया जाए तो देश के लोगों पे भार भी कम पड़ेगा। 100 दिन के अंदर में ये सारे चुनाव हो जाने से बाकी के 265 दिन इस देश के लोग राजनीति नहीं बल्कि विकास का काम करेंगे। पार्टियां जो सरकार में हैं उनके साथ भी समस्या होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि चुनाव के बाद फिर हम चुनाव की तैयारी में रह जाते हैं, इसलिए विकास बाधित होता है। ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं देख करके अगर ठंडे दिमाग से आप सोचिए तो वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा गुरु मंत्र है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत भी करेगा और एक साथ, हाँ, इसमें कुछ क्लॉज हैं जो क्लॉज अलग से जुड़ते हैं, जैसे अगर बीच में मान लेते हैं हम सरकार गिर गई तो क्या होगा, तो मध्यावधि चुनाव होंगे लेकिन फिर से जो चुनाव होंगे, अगर मध्यावधि चुनाव होने में 6 महीने लगता है तो 6 महीने तो उस राज्य का टाइम बढ़ता है लेकिन वो नहीं बढ़ेगा, वो 4.5 साल का ही कार्यकाल उनका हो जाएगा। नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होगा, देश का चुनाव होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, तो उनका भी चुनाव होगा, तो एक ये बाध्यता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे समिति ने जो 2 सितंबर 2023 को इनको कार्यकाल इसका शुरू हुआ था और दिया गया था इसका प्रभार, उसके बाद से पूरा रिपोर्ट करने के बाद हमने बताया कि 1800 पन्नों का एक बड़ा दस्तावेज है जिसको दे करके और अलग अलग लोगों से पूछा गया है, जिसमें से 62 जो रिनॉल्ड दल हैं, राष्ट्रीय से लेकर के क्षेत्रीय दल हैं, जो स्थापित दल हैं, उनको उनसे पूछा गया था कि आप बताइए वन नेशन वन इलेक्शन का क्या फंडा है, इसको कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता, जिसमें 47 ने जवाब दिया है, लेकिन इसके साथ साथ 32 लोगों ने ये ठूटा ठोका है कि हम आपके साथ हैं, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। बाकी के 15 लोगों ने इस पर अपनी नकारात्मक बात कही है, कही है कि नहीं होना चाहिए, और 15 लोगों ने कहा है कि हम नहीं बता सकते हैं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी उनका हाँ में भी है और ना में भी है। इन सारी परिस्थितियों को यदि आप देख लेते हैं तो एक बात साफ है कि अगर अमित शाह चाहते हैं, और अमित शाह ने बयान भी दिया है कि हम बहुत जल्द बिल इसका लेकर के आने हैं, चूंकि हमारे पास रिपोर्ट आ गई है, तो नेक्स्ट सत्र जब होगा तब हम बिल लाएंगे, और उस बिल के बाद दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको कई बार कहा है, मैंने रत्नेश से भी इस बात को कहा है और खबरों में मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि देखिए इस देश में जनगणना बहुत ज़रूरी है, जनगणना हुए बहुत लंबा समय हो गया, जनगणना कराना बहुत ज़रूरी है और जनगणना की तैयारी में केंद्र की सरकार लग चुकी है। तो नीतीश का एक बहुत बड़ा डिमांड पूरा होने जा रहा है, उन्होंने जातीय जनगणना और जनगणना की बात की थी, अब तो जातीय जनगणना पर भी फोकस है, दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन जनगणना के लिए केंद्र की सरकार तैयार हो गई। जनगणना होने के बाद परिसीमन होगा और उस परिसीमन के बाद दो कानून लागू होने हैं, एक 33% महिलाओं को आरक्षण सक्रिय राजनीति में और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हो सकता है, बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, इसके बाद फिर से विस्फोट होगा, फिर से मीडिया इस पर खबर करेगी कि 2028 तक हो सकता है कि ये जो सरकार चल रही है विशेष परिस्थितियों में इसको कंटिन्यू किया जाए। एक काम ये भी हो सकता है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए जो कुछ भी करना होगा, जो भी अमेंडमेंट करना होगा, वो अमेंडमेंट किया जा सकता है, और नीतीश कुमार एक तरफ जहां चुनाव में उतरने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है। अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में जो मसौदा बन रहा है, जो बातें हो रही हैं, वो क्या असर दिखाती हैं, क्या रूप लेकर के आती हैं, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन अमित शाह ने पूरी तरह से कमान अपने हाथ में ले लिया है और बहुत जल्द आपको इस देश में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, चाहे वो
सरकार का पूर्ण बहुमत का हो या फिर अलग अलग बिल ला करके कानून बनाने की बात हो, इन सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं अमित शाह मन बना चुके हैं कि उनको करना है। तो खुशी, मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ उन बातों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह के मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने कही हैं, जब मैं ये खबर मैं कर रहा हूँ उसके 24 घंटे 36 घंटे के बाद ये संभावित है कि कहीं ना कहीं इस खबर का असर भी देखने को मिले और हो सकता है कि केंद्र की सरकार इसको मंजूरी भी दे दे कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की सबसे जो महत्वपूर्ण मांग है वो पूरा होगी। इंतजार करते हैं हम भी कि इस पर कब फैसला आता है, कब क्या होता है। लेकिन ये मैं बता दूं कि जब ये मैं खबर कर रहा हूं तो 3:20 हो रहे हैं और 18 तारीख है। इसी दिन इस खबर के बाद हम, चूँकि कल सुबह के लिए खबर हम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको, हमें आज हमारे संपादक का जन्मदिन भी है नमन जी का, तो उस जन्मदिन के कार्यक्रम में भी हमको थोड़ा बहुत छोटा मोटा कार्यक्रम है हम लोगों ने सरप्राइज उनको देने के लिए किया है। चूंकि कल है इसलिए आज सरप्राइज बताने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए बीच ये जो सारी बातें हमने कही है इसमें ये चीज लागू हो सकती है। बिल्कुल, एकदम दिल्ली से जो इनपुट हमारे पास आ रहे हैं उस पर अमित शाह ने जो बयान दिए हैं उसके आधार पर ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कभी भी केंद्र की सरकार इस बात की तरफ इशारा कर सकती है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने वाला है और ये बिल नेक्स्ट सत्र में आएगा, इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। याद रखिएगा कि हम ये बता रहे हैं, हम आपको 48 घंटे 72 घंटे पहले बता रहे हैं, कभी भी ये घोषणा हो सकती है। चलिए देखिए, तो दिल्ली में जहां अभी परिस्थिति में इतना बदलाव चल रहा है राजनीति में, तो बिहार में भी अब कुछ होने वाला है। जिस तरीके से नीतीश और मोदी की बात हो गई और अमित शाह ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है, क्या होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।